Hello dear students, once again welcome to my channel. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Dear students, पिछले ऑडियो वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान के बारे में बात की थी और मैंने आपको उसे बनाना भी बताया था कि सब विषयों में जो बेसिक पाठ योजना है वो इसी तरीके से बनेगी. केवल लैंग्वेज के जो पाठ होते हैं जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है. पाठ योजना को अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है. तो इसलिए आज मैं आपके लिए हिंदी गद्य की संरचनात्मक पाठ योजना लेकर आई हूँ. डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखिए कि यही हिंदी की पाठ योजना जो है, इसी प्रकार से हम इंग्लिश की पाठ योजना भी बना सकते हैं. केवल उसको हमें इंग्लिश में लिखना होगा और इसको हमें हिंदी में लिखना होगा. तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि संरचनात्मक पाठ योजना आखिर होती क्या है. संरचनात्मक पाठ योजना का अर्थ है कि हम इसमें अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्टिव रहने दें और टीचर को केवल उनके लिए फैसिलिटेटर होना चाहिए, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे कि छात्र खुद एक्सप्लोर करें, खुद एक्सप्लेन करें, खुद ही अपने पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ने की और समझने की कोशिश करें. इस प्रकार का एनवायरनमेंट केवल एक टीचर को बनाना होता है संरचनात्मक पाठ योजना में. और उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एक टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ की संरचना करनी पड़ती है और छात्रों को उसमें पार्टिसिपेट करना होता है. पार्टिसिपेट करने से छात्र जो है वो लर्निंग जल्दी कर पाता है. तो जो संरचनात्मक पाठ योजना है, इसको हम हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हम संरचनात्मक उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं जो कि 5 E's पर आधारित होता है. 5 E's यानी कि एंगेज, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, एक्सप्लेन एंड इवेल्युएशन. छात्र को अपने पाठ के साथ उनका संयोजन करना, वो अपने पाठ को अन्वेषण कर सके, उसके बेसिक तक जा सके, इस प्रकार से पाठ को बनाना. छात्र खुद ही पाठ की विवेचना कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना. छात्र अपने पाठ का विस्तार कर सके और अपने पाठ को मूल्यांकन कर सके. इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान है उसको 5 E योजना कहा गया है. अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहली एंट्रीज जो करते हैं वो हम करते हैं विद्यालय का नाम. जहाँ भी हम इंटर्नशिप करने जाएंगे वहाँ के विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, वर्ग यानी सेक्शन कौन सा है, कितना समय या समयावधि या कालावधि का पीरियड होगा ये लिखेंगे, विषय कौन सा है, उपविषय कौन सा है, प्रकरण कौन सा और दिनांक कौन सा है. तो आज हम जो पाठ लेने वाले हैं उसका नाम है अधिक ऊंचा मत उड़ो, जो कि हिंदी विषय में एक उपविषय है गद्य, उसका एक प्रकरण है अधिक ऊंचा मत उड़ो. आज हम इस पाठ की पाठ योजना बनाएंगे. दूसरी चीज, अब हमको मुख्य अवधारणा देखनी है. मुख्य अवधारणा का अर्थ है कि अब हम मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पर कि हमको ये लिखना होता है कि हमारे पाठ के या हमारे जो विषय है, हमारे विषय के सामान्य उद्देश्य क्या है. यहाँ पर हम अपने मेजर कॉन्सेप्ट में, अपने मुख्य अवधारणा में अपने सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, विषय के सामान्य उद्देश्य. तो हमारा क्योंकि हिंदी विषय है तो हमारे जो मुख्य अवधारणा है या सामान्य उद्देश्य है वो इस प्रकार होंगे. छात्रों को अपने वातावरण में हिंदी गद्य को समझने में सक्षम बनाना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गद्य का आनंद ले सकने में सक्षम बनाना, छात्रों को समूह गतिविधियों द्वारा
हिंदी के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने जैसे चार बुनियादी कौशलों को बढ़ाने में सक्षम बनाना। इस तरीके से हम अपने जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको लिख लेंगे मुख्य अवधारणा के रूप में। अब दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा अधिगम उद्देश्य, यानी कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो कि पाठ पूरा होने के बाद जो उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने के बाद छात्र को प्राप्त होंगे वो हम लिखेंगे। तो यहाँ अधिगम उद्देश्य से मतलब है, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान में लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि पाठ के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य विषय के उद्देश्य थे और विशिष्ट उद्देश्य हमारे पाठ के उद्देश्य हैं। तो हमारे अधिगम उद्देश्यों के लिए हम अपने लेसन प्लान में तीन कॉलम बना लेंगे, ज्ञान, बोध और प्रयोग, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर हम हमेशा से ही बनाते आए हैं। फर्स्ट ईयर में भी हमने इसी तरीके से बनाए हैं, तो इनको लिखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो हम पहला कॉलम लिखेंगे ज्ञान के उद्देश्य का, जहाँ पर हम इस जो हम हिंदी गद्य की एक कहानी ले रहे हैं, अधिक ऊंचा मत उड़ो, उसके ज्ञान के उद्देश्य बताएंगे कि इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद छात्र को कौन से ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त होंगे, छात्र को किस चीज का ज्ञान हो सकेगा। तो सबसे पहले छात्र पाठ पूरा होने के बाद कहानी के पात्रों के नाम बता सकेंगे, पाठ पूरा होने के बाद छात्र नए शब्दों का अर्थ बता सकेंगे और पाठ पूरा होने के बाद अध्याय में आने वाले शब्दों का सही उच्चारण कर सकेंगे। अब हम बोध के उद्देश्य लिखेंगे कि छात्रों को अंडरस्टैंडिंग किस चीज की होगी, पाठ पूरा होने के बाद छात्र क्या सीख पाएंगे। तो पाठ पूरा होने के बाद छात्र मेहनती व्यक्ति की विशेषताओं को बताने में सक्षम होंगे और अपने शब्दों में कहानी का सारांश लिख सकेंगे। अब हम तीसरा उद्देश्य लिखेंगे प्रयोग के उद्देश्य, यानी कि पाठ पूरा होने के बाद छात्र इस कहानी को या इस हिंदी गद्य को किस प्रकार अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो पाठ पूरा होने के बाद छात्र नए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे और कहानी से केंद्रीय विचार को अपने जीवन के साथ संबंधित करने में सक्षम होंगे। इस तरीके से हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञान, बोध और प्रयोग के अधिगम उद्देश्य लिख देंगे अपने पाठ के अनुसार। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कि हमको जीवन कौशल कौन से होंगे, यानी कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारी लाइफ में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि हम सीख जाएंगे। तो हम क्या क्या सीख जाएंगे इस पाठ को पढ़ने से, हमारे छात्रों के अंदर जागरूकता आ जाएगी, हमारे छात्र रचनात्मक चिंतन कर सकेंगे, हमारे छात्र परस्पर सहानुभूति का भाव रख सकेंगे और हमारे छात्रों में अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित होंगे। इस प्रकार से हम लाइफ स्किल्स या जीवन कौशल को लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा शिक्षण विधियां, कि अब हम इस पाठ में कौन सी शिक्षण विधियों को प्रयोग करेंगे। तो इस अप्रोच में हम कौन सी शिक्षण विधियों को प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि को, व्याख्यान और संवाद विधि को और अभिनय विधि को। यानी छात्र आपस में भी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, शिक्षक के साथ भी कर सकते हैं, शिक्षक और छात्र व्याख्यान भी दे सकते हैं, छात्र और छात्र, छात्र और शिक्षक संवाद विधि भी कर सकते हैं और इस पाठ में अभिनय विधि का भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा सहायक सामग्री। अब हमें ये बताना होगा कि इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री, हमारे पास इस कहानी के लिए दो चार्ट होंगे, चार्ट संख्या एक जिसमें कि पंख बनाते हुए दर्शाया जाएगा किसी को, कि एक चार्ट होगा जिसमें पंख बनाया जा रहा होगा और दूसरा चार्ट होगा एक बालक को समुद्र में गिरते हुए दर्शाता हुआ चार्ट। फिर परों और पंखों के मॉडल होंगे और माचिस और मोमबत्ती होगी। पाठ को पढ़ाते समय हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे। कौन सी गतिविधियां करेंगे हम पाठ को पढ़ाते समय, पाठ को पढ़ाते समय हम
इस पाठ को पढ़ाते समय हम दो प्रकार की गतिविधियों की हमने योजना बनाई है। एक तो हम बच्चों से अभिनय करवाएंगे, जिसमें कि हम पक्षी का अभिनय करवाएंगे, और वास्तविक प्रदर्शन करेंगे, हम मोम को पिघलाकर दिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को इस कहानी के अनुसार। पूर्व ज्ञान क्या होगा छात्रों का, कि छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान है, छात्रों ने कई पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा है, और छात्र माता पिता और बालक के बीच के संबंध को समझते हैं। तो क्योंकि हमारे लेसन प्लान में आवश्यकता इन चीजों की है कि बच्चे को ये पूर्व ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसा पूर्व ज्ञान बच्चों के पास है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि बच्चों के पास प्रायर नॉलेज ये है। जब हमने इतना सब कर लिया, अब हम अपने लेसन प्लान की पढ़ाने की प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने लेसन प्लान में चार कॉलम बना लेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में भी, कि हम चार कॉलम बना लेंगे। अधिगम प्रतिदर्श यानी कि मॉडल ऑफ लर्निंग, जो बच्चे इंग्लिश में बनाएंगे वो मॉडल ऑफ लर्निंग लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया टीचर इनिशिएशन, छात्र क्रिया स्टूडेंट एक्टिविटी, और सहायक सामग्री यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार हम अपने चार कॉलम बना लेंगे, और पहला फर्स्ट ई से स्टार्ट करेंगे, एंगेज से, संयोजन से। क्या करेंगे, अब हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले कॉलम में लिखेंगे शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करेगा। छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अधिगम क्रिया में भाग लेंगे। और इस एंगेज पोर्शन के लिए हमने विभिन्न पक्षियों के चित्र ले लिए हैं, जो कि हम छात्रों को दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले छात्रों से एक प्रश्न करेंगे, छात्रों अब प्रत्येक समूह कक्षा को दो दो पक्षियों के नाम बताएगा, लेकिन यह ध्यान रखना है कि नामों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब छात्र जो है वो क्योंकि अधिगम क्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो हर छात्र, हमने अगर पांच समूह बना दिए हैं, मान लीजिए कि हमारे 25 छात्र हैं, हमने पांच 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 स्टूडेंट्स के पांच समूह बना दिए हैं, तो हर समूह में से कोई एक बच्चा रिप्रेजेंट करेगा और वो आंसर करेगा। तो जैसे कि एक समूह ने बताया चिड़िया और कौवा, दूसरे समूह ने बताया मोर और बगुला, इस तरीके से हम पांचों समूहों से आंसर ले लेंगे। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे ठीक है, इनमें से कुछ पक्षी आज हमारे साथ भी हैं, हम चित्र को दिखाएंगे पॉइंटर से और बच्चों को ये बात कहेंगे, तो छात्र जो होंगे वो आनंदित होकर क्रिया में भाग लेंगे। तीसरा हम कहेंगे पक्षी अपने पंख कैसे हिलाते हैं करके दिखाइए। अब हर समूह से हम छात्रों को आज्ञा दे सकते हैं कि आप बताइए आप बताइए, इस तरह छात्र अपने हाथ हिलाकर पक्षी की तरह अभिनय करते हैं, ऐसा हम छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्रों यदि हमारे पास भी उड़ने के लिए पंख होते तो क्या होता, अब छात्र जवाब देंगे हम हवा में उड़ते और मनचाहे स्थान पर उड़कर पहुंच जाते, या फिर कुछ और उत्तर भी वो दे सकते हैं। तो छात्रों क्या आप एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ना चाहोगे जो आप ही की तरह आकाश में उड़ना चाहता है। अब छात्र उत्साहित होकर क्या कहेंगे, छात्र उत्साहित होकर हाँ में उत्तर देंगे। अब हम नेक्स्ट उस पे कहेंगे, अब आप अपनी हिंदी पुस्तक में अधिक ऊंचा मत उड़ो कहानी खोल लीजिए, और छात्र जो है वो पुस्तक खोल लेंगे। तो इस तरह हमारा, हमने बच्चों को एंगेज कर दिया है अपने लेसन में कि हम एक पाठ पढ़ाने वाले हैं जो कि पक्षियों से संबंधित है, और पक्षियों के बारे में उनके पूर्व ज्ञान को भी हमने जान लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस पोर्शन में एक चीज को ध्यान में रखना है कि द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एंगेज पोर्शन आर इन अ जिगजैग फॉर्म रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग मटेरियल और दे आर कॉल्ड प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी कि संयोजन पार्ट में हमको ऐसे प्रश्न करने हैं जो कि जिगजैग फॉर्म में हो और छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो अब हमने छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया, हमने छात्रों को एंगेज कर दिया। अब हम छात्रों को
दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, यानी कि एंगेज के बाद एक्सप्लोर। अब हमने अपने लेसन में लिखा, फर्स्ट कॉलम में एक्सप्लोर या अन्वेषण, छात्र अध्यापक ने जो क्रिया करी वो उस कॉलम में लिखेंगे, छात्र ने जो क्रिया की वो उस कॉलम में लिखेंगे, और सहायक सामग्री फोर्थ पोर्शन में रखेंगे, फोर्थ कॉलम में रखेंगे। यहाँ एक्सप्लोर में हम सबसे पहले अपनी पुस्तक का जो कहानी, जो पाठ, जो भी कुछ हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको चिपकाएंगे। तो हमारी सहायक सामग्री यहाँ पर देखिए पीले रंग में चिपकी हुई है, कहानी अधिक ऊंचा मत उड़ो। अब हम छात्र और अध्यापक की बात करेंगे कि वो क्या क्रिया करेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेगा तथा बीच बीच में छात्रों को भी रोचक गतिविधियों में सम्मिलित करेगा, और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर अब हमको ये कहानी का आदर्श वाचन करना है। तो अब हम पहले आदर्श वाचन करते हैं। यूनान देश का एक नागरिक था जिसका नाम डेडलस था। वह पक्षियों को उड़ते देखता था तो स्वयं भी उड़ने की सोचता था। एक दिन उसने उड़ने के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर ही दिए। उसने मोम से पंख बनाने का प्रयास किया। बार बार वो पंख बनाता, परंतु जब उन्हें लगाकर उड़ता तो वो उड़ नहीं पाता था। परंतु डेडलस अनवरत प्रयास करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वह उड़ने में कामयाब हुआ। अब वह रोज एक पहाड़ी पर चढ़ जाता और पंख लगाकर वहां से कूद जाता और उड़ने लगता। थोड़ी देर उड़कर वह वापिस आ जाता। डेडलस का एक पुत्र था जिसका नाम आइकैरस था। वह बहुत नटखट बालक था, वो भी पिता की तरह उड़ना चाहता था। अतः डेडलस ने आइकैरस के लिए भी पंख बना दिए। परंतु साथ ही साथ डेडलस ने पुत्र को ये चेतावनी भी दी कि यह पंख मोम से बने हुए हैं, अतः इन्हें गर्मी से दूर रखना। आइकैरस चट्टान पर चढ़ गया। यहाँ आकर उसने पंख बांध लिए और उड़ने का प्रयास किया। पहले ही प्रयास में वह उड़ने लगा। उसे उड़ने में बहुत ही आनंद आ रहा था। आनंद के अतिरेक में वह पिता की चेतावनी भूलकर ऊपर और ऊपर उड़ता ही चला गया। जैसे जैसे वह सूर्य के पास पहुंचता गया, उसके पंख पिघलने लगे। परंतु अब क्या हो सकता था, उसके पंख पिघलने लगे थे और इस कारण वह समुद्र में गिर गया। तो इस तरीके से शिक्षक जो है आदर्श वाचन करेगा और ये ध्यान में रखेगा कि कहानी में किस प्रकार के उतार चढ़ाव है, कहाँ पर कौमा है, कहाँ पर विराम है, कहाँ पर आवाज ऊंची करनी है, कहाँ पर आवाज धीमी करनी है। अब शिक्षक ने आदर्श वाचन कर दिया और अब छात्रों ने पाठ को सुन लिया है। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं। छात्राध्यापक क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। पहले अनुच्छेद में से उसने दो प्रश्न पूछे, कहानी में उल्लिखित पात्र का नाम क्या है। छात्रों ने जवाब दिया, कहानी में उल्लिखित पात्र का नाम डेडलस है। यूनान के नागरिकों को क्या कहते हैं, यूनान के नागरिकों को यूनानी कहते हैं। पक्षी अपने पंख कैसे फड़फड़ाता है, छात्र अपने हाथ से पंख फड़फड़ाने का अभिनय करते हैं। फिर पूछेंगे पंखों तथा परों में क्या भिन्नता होती है। अब छात्रों को ये नहीं पता है, छात्रों ने केवल कहानी सुनी है लेकिन इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। शिक्षक छात्रों को अब पर और पंख के प्रारूप दिखाता है जो कि वो मॉडल लेके आया है। वो भी हम सहायक सामग्री में लिख देंगे कि यहाँ पर हम ये मॉडल दिखाएंगे और बताएगा कि पंख परों से बने होते हैं और छात्र जो है वो रुचि लेकर समझते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा, इस खंड के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लैंग्वेज में या भाषा में अपने हाथ में पुस्तक रखते हैं, बच्चों के सामने पुस्तक रखी होती है, तो हम इस प्रकार के प्रश्न भी कर सकते हैं। इस खंड के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस खंड के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम उन्हें चार्ट दिखाएंगे, इस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, चार्ट संख्या एक दिखाएंगे, जो छात्र देख रहे हैं वो छात्र बताएंगे। फिर पूछा जाएगा ये छात्र किस भावना को दर्शाता है, तो छात्र बताएंगे कि ये जो चार्ट है, ये जो चित्र है, ये आनंद की, विस्मय की, ऐसी भावनाओं को दिखाता है। फिर प्रश्न किया जाएगा, आपको पढ़कर
कैसा महसूस हो रहा है कि आइकैरस वास्तव में हवा में उड़ सकता था? तो छात्र अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर देंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा मोम को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र उत्तर दे पाएंगे कि गर्म करने पर मोम पिघल जाता है। फिर छात्रों से पूछा जाएगा आइकैरस अति उत्साह में क्या भूल गया था? छात्र बताएंगे कि आइकैरस अति उत्साह में अपने पिता की चेतावनी भूल गया था। आइकैरस के अति उत्साह का क्या परिणाम हुआ? आइकैरस के अति उत्साह के कारण आइकैरस के पंख जो थे वो पिघलने लगे और वो क्योंकि बहुत ऊपर उड़ रहा था वो समुद्र में जा गिरा। शिक्षक शेष कहानी की चार्ट संख्या दो की सहायता से व्याख्या करेगा। अब शिक्षक ने जो चार्ट लिया हुआ है उससे वो छात्रों को दिखाएगा कि किस तरह से आइकैरस जो है सूरज के पास जाता चला गया और सूरज की गर्मी के कारण जो मोम के पंख थे वो पिघलने लगे और मोम के पंख जिनसे कि वो उड़ रहा था जब वो ही पिघल गए तो छात्र जो था वो समुद्र में जा गिरा। इस तरीके से हम अपनी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे, छात्रों को विभिन्न चीजों से संबंधित करके उस कहानी को समझा भी देंगे। अब अन्वेषण के बाद हम नेक्स्ट ई पर आएंगे, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, फिर हमारे चार कॉलम है, थर्ड ई है हमारा एक्सप्लेन करना, विवेचन करना। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शिक्षक प्रत्येक समूह के छात्रों को सस्वर वाचन करने के लिए तथा साथ ही नवीन शब्दों को रेखांकित करने के लिए अभिप्रेरित करेगा और प्रत्येक समूह के छात्र पाठ का सस्वर वाचन कर सकेंगे। पहले शिक्षक ने आदर्श वाचन किया, उसी प्रकार से अब छात्रों के विभिन्न समूहों में से छात्रों को छांटकर उनसे सस्वर वाचन करने के लिए कहा जाएगा और जहां पर भी कोई नया शब्द आएगा या कोई कठिन शब्द आएगा तो छात्रों से कहा जाएगा कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और सहायक सामग्री हमारी क्या रहेगी? पाठ्य पुस्तक। फिर शिक्षक छात्रों को सस्वर वाचन के साथ साथ पाठ की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करेगा। छात्र अपने शब्दों में पाठ की व्याख्या करेंगे। शिक्षक छात्रों के वाचन को सुनकर उनकी कमियों को दूर करेगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहां जहां छात्र सस्वर वाचन में गलती करेंगे तो शिक्षक उनको बताएंगे कि आपको ये शब्द ऐसे बोलना है, इस शब्द का ये अर्थ है। इस प्रकार से शिक्षक छात्रों के वाचन को सुनकर उनकी कमियों को दूर करेगा। तो जो एक्सप्लेन है, जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पाठ का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ ई पर आएंगे, इलेबोरेट, यानी कि पाठ का विस्तार करना। यहाँ पर हम श्यामपट कार्य करेंगे क्योंकि अभी हमने केवल कहानी पढ़ी है, अब छात्रों को उसके बारे में जो नई चीजें आई हैं वो भी समझानी है, जो नए कौशल हैं वो भी समझाने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब शिक्षक प्रत्येक समूह से दो या तीन नवीन शब्द पूछेगा क्योंकि बच्चों से हमने कह दिया था अंडरलाइन करो। अब वो प्रत्येक समूह से कहेगा कि आप अपने नवीन शब्द बताइए, दूसरे छात्र बताएंगे दूसरे ग्रुप के, इस तरीके से, और फिर उन्हें श्यामपट पर लिखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो छात्र हैं वो नवीन शब्द श्यामपट पर लिखेंगे। शिक्षक नवीन शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाएगा। जो शब्द श्यामपट पर लिखे हैं अब शिक्षक उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण बोलेगा और छात्रों से करवाएगा। फिर शिक्षक छात्रों की सहायता से विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके नवीन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करेगा और श्यामपट पर अंकित करेगा। छात्र क्या करेंगे, उन नवीन शब्दों के अर्थ खोजने में सहभाग करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, छात्रों को ऐसी सिचुएशन बना के देनी है कि छात्र उन नवीन शब्दों के अर्थ जो है वो बता सके और उनको जो है उससे रिलेटेड हम शब्द बता सकते हैं जिससे कि वो जाने कि इस नए शब्द का ये अर्थ होगा। जिन शब्दों को वो जानते हैं उनसे हम निकलवा सकते हैं। उसके अलावा हम वाक्य प्रयोग करके निकलवा सकते हैं, उस शब्द के दूसरे पर्यायवाची बताकर शब्द का अर्थ निकलवा सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने पाठ में
कठिन शब्दों का, नवीन शब्दों का, शब्द वाक्यों का, सब कुछ यहाँ पर श्याम पट पर कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा पाठ जो है इलेबोरेट हो, विस्तृत हो। इसके बाद जो हमारा लास्ट 5 E है, 5th E है मूल्यांकन या इवेल्युएशन। अब जो हमने बच्चों को करवाया है, क्योंकि बच्चे पाठ भी कर चुके हैं, सस्वर वाचन कर चुके हैं, कहानी को जान चुके हैं, नवीन शब्दों को जान चुके हैं, उसमें आए हुए उसके अर्थ को जान चुके हैं, तो अब हम मूल्यांकन करेंगे छात्रों ने कितना सीखा। तो जब हम इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षक छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देगा कि जो कुछ हमने पढ़ा है अब आप शांति से बैठकर इस कहानी को पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, मौन वाचन करने से छात्रों को जो चीज नहीं समझ में आ रही होगी वो शिक्षक से पूछ पाएंगे, और जो कुछ भी सीखा है उसको पढ़ने के बाद छात्रों को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या सीख लिया है, वो इस पाठ को समझ पाए या नहीं। और इस वाले 5th E में भी हमको श्याम पट कार्य करना होगा। शिक्षक अब मौन वाचन हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक प्रत्येक समूह से एक छात्र को कहेगा, छात्र जो है वो गतिविधियों में भाग लेंगे, शिक्षक प्रश्न और उनके उत्तर श्याम पट पर लिखता चला जाएगा, बच्चे जो है वो श्याम पट कार्य को अपनी नोट पुस्तक में नोट करते जाएंगे। शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र उत्तर देंगे, और शिक्षक उन प्रश्नों को बच्चों को नोट पुस्तकों में लिखवाते भी जाएंगे। जैसे और आखिर में वो क्या पूछेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और प्रत्येक समूह से कोई भी एक छात्र इस प्रश्न का उत्तर देगा। इस प्रकार से शिक्षक को ये पता चल जाएगा, छात्र अध्यापक को ये पता चल जाएगा कि उसके छात्रों ने कितना सीखा। इसके पश्चात 5 E पढ़ लेने के पश्चात हमने जब लेसन बना लिया, हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम सारांश लिखेंगे। आज हमने अधिक ऊंचा मत उड़ो कहानी के माध्यम से यह सीखा कि हमें अपने बड़ों द्वारा बताई गई बातों को सदैव याद रखना चाहिए। इसके बाद हम गृह कार्य देंगे कि अपनी पसंद के पक्षी पर एक अनुच्छेद लिखकर लाइए, और यदि आप आई कैरस की जगह होते तो आप क्या करते, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन प्लान में बताया था कि होम असाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि पाठ से संबंधित तो हो पर पाठ के अंदर ना हो, छात्र को उसको सोचकर एक्सप्लोर करके नेट के द्वारा, दूसरी पुस्तकों से या अपने अनुभव के द्वारा लिख पाए छात्र, ऐसा गृह कार्य ज्यादा अच्छा होता है। संरचनात्मक पाठ्यक्रम में इस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए। तो हमने भी दिया कि अपनी पसंद के किसी भी पक्षी पर आप एक पैराग्राफ लिखकर ला सकते हैं, और अगर आप आई कैरस की जगह होते तो आप क्या करते, ऐसा उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। इस प्रकार हम छात्रों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य देने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम जब इंटर्नशिप में जाते हैं हमें एक टीचर डायरी लिखनी होती है। इस टीचर डायरी को लिखने के लिए, इस टीचर डायरी में अब हम अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे उस दिन का, कि हमने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया वो हम लिखेंगे कि शिक्षिका का या शिक्षक का अनुभव, छात्र अध्यापक का अनुभव क्या रहा। तो हम लिखेंगे अपनी डायरी में कि छात्रों ने उत्साहपूर्वक और सक्रिय रूप से कक्षा की उन गतिविधियों में भाग लिया जो कहानी की पाठ योजना से संबंधित थे, जैसे कि पक्षी का अभिनय, सस्वर वाचन, मौन वाचन, श्याम पट कार्य। और दूसरा हम लिखेंगे, इस पाठ के बाद छात्र कहानी के पात्रों के नाम बता सकेंगे, मेहनती व्यक्ति की विशेषताओं को बताने में सक्षम होंगे, और नए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार से अपनी पाठ योजना के अनुभव, पाठ पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक को अपने लेसन, अपने इंटर्नशिप वाली डायरी में लिखने होंगे। इसको लिखने का भी एक तरीका है कि अब देखिए, छात्रों ने उत्साहपूर्वक और सक्रिय रूप से कक्षा की उन गतिविधियों में भाग लिया जो कहानी की पाठ योजना से संबंधित थे। तो गतिविधियां
हमने अपने गतिविधि वाले हेडिंग में लिखा है कि हम कौन सी गतिविधियां करा रहे हैं, जैसे कि पक्षी का अभिनय, हम वहां पर पक्षी का अभिनय करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे। ऐसे ही हम सस्वर वाचन करा रहे हैं, मौन वाचन करा रहे हैं, श्यामपट कार्य करा रहे हैं, तो इन सबको हम इस प्रकार से भाषा दे सकते हैं। और दूसरी चीज, जो हमने अपने विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे ज्ञान का, बोध का, प्रयोग का, उनमें से एक एक उद्देश्य यहाँ पर लिख देंगे कि इस पाठ के बाद छात्र ये काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम अपने पाठ का एक्सपीरियंस जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसको यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक पाठ के लिए। तो अपने पाठ में अपने एक्सपीरियंस को इस प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू ऑल। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिए कि ये लेसन प्लान आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अपने इस पाठ को ठीक प्रकार से करने के बाद एक बार मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको यह प्रोसेस कैसा लगा, क्या आप पाठ की योजना स्वयं तैयार कर पाए अथवा नहीं। थैंक यू ऑल।